कहां हम तुम। सुमित चलती चलो, मैं नहीं चाहती कि सोना अपनी लाइफ के साथ कोई भी रिस्क ले, ये बहुत जरूरी है, हमें रोकना होगा उसे। मैम आप अंदर नहीं जा सकती, ऑपरेशन चल रहा है। हमारे महान सिप्पी फैमिली, आप लोगों को यहाँ देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा। जिस बहू को बेइज्जत करके घर से ठुकरा दिया था, आज उसी के ऊपर इतना प्यार बरसा जा रहा है। क्यों वीणा सिप्पी, वैसे मिली कहाँ आपको सोना? पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई, लेकिन आपको मिल गई, कैसे? वो हमें नहीं मिली, वो खुद यहाँ हॉस्पिटल में आई थी। और आप सब ने बड़ी आसानी से आपके बेटे की जान बचाने के लिए मेरी बेटी को बलि का बकरा बना दिया। कितने खुदगर्ज़ और मतलबी इंसान हो सकते हैं आप लोग? अगर इस प्रोसीजर में मेरी बेटी को कुछ हो जाता है तो इसकी भरपाई कौन करेगा? सिरिंज फोन मेरे निकालना होगा। ओह नो, लगता है इनकी बॉडी ने वायरस को रिजेक्ट कर दिया है। बीपी ड्रॉप होता जा रहा है। अब क्या करें डॉक्टर माथुर? अब जल्द से जल्द इसे क्लोज करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। कार्डियक अरेस्ट से ये मर भी सकती हैं। सिमी, शी इज सिंकिंग। हमें अभी एक कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत है। मेरी सोना ठीक है? वो क्रिटिकल है। भगवान मेरी बच्ची को संभाल ले। ये तो प्यार छोड़ी। आंटी प्लीज, प्लीज आंटी मत कीजिए ना, शांत रहिए प्लीज आंटी। जब से मेरी सोना की जिंदगी में आए हो, तब से उसे बार बार तकलीफ ही दी है आप लोगों ने, और आज आपकी खुदगर्जी की वजह से मेरी सोना इतनी बुरी हालत में। सोना ने हमेशा आप सबका भला ही चाहा, लेकिन आप तब उसकी जान लेने पर तुले हुए। कभी खुश नहीं हो क्या आप लोग? अगर मेरी सोना को कुछ हो गया तो मैं आप सबको कोर्ट ले जाऊंगी। मेंटल टॉर्चर और डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पर अंदर कर दूंगी, केस ठोक दूंगी आप सब पर। चुप रहो, चुप, बिल्कुल चुप। हमने तुम्हारी बेटी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। उसने खुद इस एक्सपेरिमेंट के लिए हां बुलाया और अंदर इस प्रोसीजर के लिए गई है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो हमारे पास पेपर्स हैं जिन पे उसने साइन किए हैं। पता नहीं उसने खुद साइन किए हैं या किसी ने जबरदस्ती साइन करवाए हैं। बड़े बेगैरत लोग हैं आप। आंटी प्लीज शांत हो जाइए आंटी। ये हॉस्पिटल है, अगर तुम चुप नहीं रही ना तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी, समझी? तो आंटी, आंटी प्लीज शांत हो जाइए आंटी, ये वक्त इन बातों के लिए नहीं है। हमें सोना के बारे में सोचना है आंटी, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी ना, उसे कुछ नहीं होगा। मैं कह देती हूँ, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। हाय लगेगी मेरे दिल की आप सबको। सर, सोना कैसी है? मैम ठीक नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट बुलाया है।
मैं आपको ये बोलने के लिए आई थी कि प्रोसीजर में वक्त लगेगा। हम सोना की लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकते सिमी। हजारों लोग मर रहे हैं सर, मैम उनके लिए एक लौती उम्मीद है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सोना की बॉडी वायरस रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं। काश आप इस वक्त ओटी में होते। सर सर सर, सर आपकी हालत ठीक नहीं है सर, आप लेट जाइए। हाँ सर, हाँ सर बोलिए। सोना की aorta artery में पापा वरीन इंजेक्शन का मिनिमम डोज इंजेक्ट करा, मिनिमम डोज, ओके? और फिर वायरस का, सर वायरस का कंपोजिशन चेंज करो, चेंज करो कंपोजिशन और फिर से वायरस इंजेक्ट करो। और मुझे इमीडिएटली आके अपडेट करो। ओके सर। वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने हमें ये सॉल्यूशन लिख कर दिया है। कम ऑन इंजेक्शन। सर, सर, सर सोनाक्षी मैम का हार्ट स्टेबल है, आधे घंटे बाद हम वापस वायरस इंजेक्ट करेंगे। वायरस इंजेक्ट करना होगा, लेकिन कंपोजिशन इस बार अलग होगी। रेडी सर। हे भगवान, सोना को बचा लो। वही है जो मेरी रोहित की जिंदगी बचा सकती है। मैम का बीपी स्टेबल हो रहा है। Congratulations, surgery successful. Congratulations. इसका सारा क्रेडिट तो डॉक्टर रोहित को ही जाता है। He is the best heart surgeon. पर उन्होंने पेशेंट को बिना देखे ही इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। He is the best. और ये तो उनके ही दिल का मामला था। कहाँ हम